हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन रागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कारो रिपोर्ट किस कंपनीज पर एप्लीकेबल होती है और क्या उसके कंटेंट होते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जिसको हम कारो 2020 भी कहते हैं। इससे पहले कारो जो है 2016 था फ्रेंड्स। तो एमसीए जो है 25 फरवरी 2020 के अंदर नया कारो का फॉर्मेट लेके आई और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2021 से थी। मतलब 2021 के जितने भी ऑडिट होंगे उसमें कारो एप्लीकेबल होगा और ये ऑर्डर जो है एप्लीकेबल होगा ऑल कंपनीज जो कि कवर थी कारो 2016 में। मतलब 2016 वाले जो कारो जिस पर एप्लीकेबल होता था उन सब पर ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा। अब ये देखते हैं कि ये कारो की जो एप्लीकेबिलिटी किन किन कंपनीज पर होती है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो एज पर द ऑर्डर लिखा हुआ है अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लिस्ट है फ्रेंड्स। तो कौन सी कंपनीज एक्सेप्शन लिस्ट में डाली गई है, तो सबसे पहले है वन पर्सन कंपनी, सेकंड है स्मॉल कंपनी, और स्मॉल कंपनी की क्या डेफिनेशन है, पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती और जो लास्ट रिपोर्टेड टर्नओवर है वो 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। तो स्मॉल कंपनी को भी कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है बैंकिंग कंपनी और कंपनीज रजिस्टर्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, जैसे सेक्शन 8 कंपनी। और उसके बाद आता है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पे भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ कारो 2020। मतलब कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन पर भी एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि ये पॉइंट्स अब इररिलेवेंट हो गए हैं क्योंकि जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पहले थी इस रूल से वो कम की थी, लेकिन अब स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो बढ़ा दिया गया है, तो ये पॉइंट्स इसके इररिलेवेंट हो जाते हैं काफी हद तक। तो जिसमें लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट ए होल्डिंग और अ सबसी ऑफ ए पब्लिक कंपनी। अगर कोई प्राइवेट कंपनी होल्डिंग कंपनी है या सबसी कंपनी है तो उस पर तो कारो एप्लीकेबल होगा ही होगा, चाहे वो जो स्मॉल कंपनी की क्राइटेरिया फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद कहता है ग्रॉस रिसिप्ट और टोटल रिवेन्यू जो है 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, इन द फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्राइटेरिया तो ऑलरेडी हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इससे ज्यादा है तो वहां पे हमने कवर कर लिया है कि जो ग्रॉस रिसिप्ट वहां पर कितनी दे रखी है 40 करोड़, तो ये भी इरिलीवेंट हो गया है। एंड पेडअप के शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी प्राइवेट कंपनी का, लेकिन जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है वहां पर कितना है 4 करोड़। एंड हुज बोरिंग इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, तो इसका मतलब ये जो प्राइवेट कंपनी जो यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है अगर वो स्मॉल कंपनी है तो ये हमें देखने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं कि कारो 2020 के अंदर कौन से स्टेटमेंट जो है वो डाले गए हैं जो कारो रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। पहले जो कारो 16 था 2016, उसके अंदर केवल 16 पॉइंट्स थे, लेकिन यहां पर 21 पॉइंट्स डाले गए हैं फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे कारो रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होनी चाहिए, इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी एडवांस गिवन वो दिया है उसकी डिटेल होनी चाहिए, कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू डायरेक्टर्स, कंप्लायंस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, डिपॉजिट ऑफ स्टैचुरी लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड इनकम, डिफॉल्ट रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए, फ्रॉड रेज एंड यूटिलाइजेशन, फ्रॉड एंड विसल ब्लोअर कंप्लेन्स, कंप्लायंस बाय निधि, कंप्लायंस ऑन ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी, इंटरनल ऑडिट सिस्टम एंड नॉन कैश डीलिंग विद द डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45IA ऑफ द RBI एक्ट, कैश लॉसेस, रिजिग्नेशन ऑफ ए स्टैचुरी ऑडिटर्स, मटीरियल असर्टेनिटी, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो कि CSR वाला है, क्वालिफिकेशन एंड एडवर्स रिमार्क इन द अदर ग्रुप कंपनीज के अंदर जो आई है वो भी आपको कारो रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी होगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ जनरल FAQs जो कि जनरली हमारे प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे वर्किंग के अंदर। तो पहला जो क्वेश्चन है, इज कारो 2020 एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आंसर इज नो, द ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट पैरा 3.21। तो केवल एक पैरा जो है वो लगेगा अगर स्टैंड अलोन जो आप ऑडिटर्स रिपोर्ट बना रहे हैं उसके अंदर कोई एडवर्स रिमार्क है या क्वालिफिकेशंस है उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो आपको वो स्टेटमेंट जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर रिपोर्ट होगी उसमें डालने की जरूरत रहेगी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारो एप्लीकेबल है LLP पर, तो आंसर इज
नो, कारो 2020 इज एप्लीकेबल टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, नॉट द एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट. तो कारो की एप्लीकेबिलिटी केवल कंपनीज पर है फ्रेंड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कारो एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज. तो आंसर इज यस, इट इज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडिया के अंदर स्टेब्लिश होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर वो रजिस्टर होती है. तो इसलिए कारो जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉरेन कंपनीज के ऊपर. तो फ्रेंड जो कारो रिपोर्ट है, जो एमसीए का जो ऑर्डर है, वो आपको मैं लिंक में नीचे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए आप फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है फ्रेंड्स. द लॉ टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी ऑफ बीटी लिमिटेड. वेदर द कारो इज एप्लीकेबल टू द लॉ टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, यस या नो? तो यस, कारो इज एप्लीकेबल, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कोई भी प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, और अगर वो होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो तो उस पे कारो एप्लीकेबल होगा ही होगा. ऊपर हमने रूल्स में पढ़ लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज फुल्ली पेड अप कैपिटल जो है उसकी है 240 लाख, लाख में दिया हुआ है, एंड द कंपनी हैज बोरोड 15 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. मतलब 15-15 लाख रुपए उसने उधार भी लिए हुए हैं, और उसका टर्नओवर जो है नेट ऑफ जीएसटी 50 लाख, विच इज क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट एंड ऑफ 475 लाख. मतलब टोटल उसका जो टर्नओवर है 475 लाख का है. ठीक है, तो क्या कारो की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं? तो कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उसका पेड अप कैपिटल ही 2.4 करोड़ है, मतलब 4 करोड़ से कम है. तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली ये आ गई, और उसका टर्नओवर भी कम है. तो फ्रेंड्स आई होप आपको कारो की एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता चल गया होगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे. जय हिंद, बाय बाय.